पिछले लंबे समय से वादों में घिरी ब्लू स्टार इमिग्रेशन मोहाली की संस्था ने आज मोगा में नीलम नोवा थिएटर में बीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम से सेमिनार लगवाया, जिसको मोगा के बार एसोसिएशन के प्रधान राजपाल शर्मा व यूथ अग्रवाल सभा के प्रधान ऋषि अग्रवाल व उनकी टीम ने आकर बंद करवा दिया, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर पहले भी फ्रॉड के मामले दर्ज हो चुके थे, जिसकी वजह से एक लड़की ने सुसाइड भी कर ली थी और उसके मालिक को सजा भी हुई थी। आज जब इनसे इनका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा गया तो उनके पास नहीं था, जिसकी वजह से आम लोगों को इनसे बचने के लिए यूथ अग्रवाल महासभा और राजपाल शर्मा ने आकर इस चैनल को बंद करवा दिया। जब इसके MD चीमा से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे पास उसका नंबर नहीं है और अप्लाई किया हुआ है और जो आरोप हम पर लगाए जा रहे हैं वह गलत है, जिसके चलते आज ये सेमिनार रोक दिया गया है। मेरा नाम गुरप्रीत चीमा जी, बीएस ग्रुप का मैं डायरेक्टर हूँ। ठीक है, जिहड़ा इत्थे होया मैं सेमिनार करन आया सीगा, मैं कीता इत्थे, मैं किसे चीट नहीं कीता। जिहड़ा बदौलत मेरे कोल मीडिया आया जां मेरे ते एलीगेशन लाए ने, इह मिस्टर पंकज सूद आ जिहड़ा कि इत्थे मोगे शहर दा, जिहदे उपर मेरी कंप्लेंट कीती हुई आ, उहदी बदौलत मेरी वाइफ दे पेट विच 3 मंथ दा बेबी डैथ हुई आ, मैडिकल रिपोर्टां मैं नाल लाईआं ने। मिस्टर पंकज सूद उस रिपोर्ट नूं दबाउण दी बदले अज अपने मोगे शहर च अपने बंदे भेज के मैनूं इह क्लोज करवाउण लई फोर्स कीता गया। हालांकि मेरे कोल लसंस मेरा पेंडिंग आ, मैं इह गल मानदा, मैं कोई चीट नहीं कीता। मैं एग्रीमेंट जदों करदा मैं क्लीयर बोलदा कि मेरी वीजा देण दी कोई गरंटी नहीं, आई एम नॉट गॉड। मैं रजिस्टर एग्रीमेंट कोर्ट विच जा क्लाइंट नाल करदा, मैं सिर्फ जो अपनी फीस लैंदा 15,000 लैंदा, मैं कोई 1,00,000 रुपया नहीं लैंदा। जे लैंदा कोई साफ करे, जे लै भी तां दित्ते भी लोकां दे हैगे, पहले मैं तां लैंदा नहीं। मिस्टर पंकज सूद अपनी उस कंप्लेंट नूं दबाउण दे बदले मैनूं इत्थे इह हरास कर रहे हैं। मेरा ड्यूटी नंबर हैगा जी, ड्यूटी चंडीगढ़ गवर्नमेंट का देख सकते हो। ठीक है, जिहड़ा पंजाब गवर्नमेंट दा, जिहड़ा पंजाब गवर्नमेंट दा इस टाइम नहीं, मेरे को ऑफिस है, मंगा सकता हूँ, मंगा सकता व्हाट्सएप नो इशू, 10 मिनट के मंगा सकता, 2 मिनट दो मैं, मैं तुम्हें जो सर्टिफिकेट दे देना तुम देख सकते हो। नंबर क्यों ड्यूटी, मेरा विजिटिंग कार्ड देखो, उसके ड्यूटी नंबर लिखा, चेक करो, ऑनलाइन चेक करो, विजिटिंग कार्ड उसके ऊपर लिखा हुआ, वो ऑनलाइन चेक करो, फॉर्म शो होती है कि नाते आ, किन्ने शेयर आ, सब कुछ लिखा हुआ। अज मैं मोगे तो बाहर से, कोई मोगे के अच्छे कांड होया, पिछले साल ब्लू स्टार इमीग्रेशन वाले सा कुछ रौला पिया, उन्होंने मेरा तो मेरे बच्चों का चिल्ड्रन वीज़ा लाने की फेक वीज़ा लाया से जोड़ा कि लग्या नहीं जी, सारा कुछ मैं स्टिंग करके पता करा के कनेडा तो जो मैं पता लग्या भी सारा कुछ फेक है, तो मैं उन्होंने कार्रवाई जो की उन्होंने साढ़े पैसे मोड़ते। उस वक्त जो मैं उन्होंने अपने पैसे लैन गया उ 5-6 परिवार होर आ गए, उन्होंने भी पैसे कंज्यूमर राइट करके, क्योंकि मैं पंजाब का प्रधान हाँ कंज्यूमर राइट्स का, तो वह मिल गए। उस तो 3 महीने बाद पता नहीं रब जाने की इन्हों दिमाग चाहिए, ब्लू स्टार वाले के इन्होंने SSP मोहाली के को मेरे खिलाफ़ दरखास्त दे दी कि पंकज सूद ने ब्लू स्टार के ऑफिस के आके जिहड़ा गुरप्रीत चीमा है वो वाइफ है संदीप कौर जो ओनर ने दोनों भी उन्होंने कुटिया मारा, जिस तरह वह मिसकैरेज हो गया, या 3 महीने बाद जी, पूरे 3 महीने बाद। उस तो बाद जी मैं SPD मिस्टर अकबाल ने मोहाली उन्होंने को केस लग्या से लास्ट ईयर, मैं उन्होंने को बुलाया गया, जो बुलाया गया उदू एक दिन पहला मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस में सारी वीडियोज़ दिखाइया उस दिन दियाँ जिड़े कि फेसबुक पर आप जी सारे देख चुके होंगे। उन्होंने वीडियोज़ के साफ दिखी जाता है कि अभी 6-7 परिवार उत्थे बैठे हैं, संदीप कौर बैठी सानू चैक साइन करके साड़ी पेमेंट से सानू दिंदी पई है, उत्थे इहो जी कोई कुटमार नहीं, कुछ नहीं होया। जो SPD साहब के पहुंचे तो SPD साहब ने उन्होंने कहा तुम मैडिकल दो, जे सूद ने तुहाडी वाइफ नूं मारिया कुटिया, इन्हां कोल कोई मैडिकल नहीं। SPD साहब ने होर बंदियां दी होर जिहड़े क्लाइंट सीगे, मेरे नाल 6-7 क्लाइंट भी गए सी इन्हां दे, जिन्हां दे पैसे इन्हां ने मोड़ने सी, उन्हां दे सामने इन्हां SPD साहब ने इन्हां नूं कहा भी तुसीं राइट वे हुणे रिटर्न च आपदी दरखास्त वापस लो, एक तां तुसीं 2 नंबर दा काम करदे हो, उत्थे झूठियां दरखास्तां दिंदे हो। जे जिन्हें भी प्रेस वाले ने जिन्हें भी ये चीज़ नूं कन्फर्म करना, SPD मोहाली मिस्टर अटवाल ने उन्हां तों ये चीज़ कन्फर्म कर सकदे आ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਕਈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਕਜ ਸੂਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਮਾਰਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ SPD ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੋਗੇ, ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੜੂੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨ ਪਟਿਆਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਆਪਦਾ 11 ਫੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੋਗੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਕੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਕਣ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ
लीगल एडवाइजर मिस्टर राजपाल शर्मा जिहड़ा कि मोगे डिस्ट्रिक्ट बार के प्रैजीडेंट ने, जतेंद्र किंगरा जिहड़े मेरे जिला प्रधान ने कंज्यूमर राइट्स ऑर्गनाइजेशन के, मेरे जनरल सैकटरी ने गर्ग साहब राधे मोहन गर्ग, उस तो अलावा मुनीश जिंदल जिहड़े अज तक के नाले साडे पंजाब दे जनरल सैकटरी ने, मीडिया इंचार्ज ने मेरे पंजाब दे, ये सब लोगों ने उत्थे पहुँच के ते सारी प्रैस जिहड़े एक्चुअली देखो साहब बाजार के आने का मकसद ना तो किसी को कहने का कोई परेशान करा ना किसी होता है, जी ब्लू स्टार कंपनी है साढ़े ध्यान से ऐसे कोई लाइसेंस है नहीं, ना तो स्टेट गवर्नमेंट ने जी रजिस्ट्रेशन की है जो पंजाब सरकार ने जरूरी की है सारे एजेंट ट्रैवल एजेंट वास्ते, और एक इमीग्रेशन डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन होंगी इन्होंने को भी है, और मेरा चलो प्रोफेशन भी वो मैं एडवोकेट अभी देखते हैं आम ही जो सा नौजवान बाहर जाने का क्रेज बहुत ज्यादा है, माँ बाप को किसी के मना के कोई जमीन कहने करता कोई लोन चकता वा पेमेंटा देंगे और चीट होंगी या तीह चाली चाली हज़ार आम मामले पेंडिंग पे होते, सो एक इंसानी के नाते कहता सूँ ये चलो इन्हें कोई लाइसेंस होगा चाहता करन क्योंकि कल इन्हें कोई जवाबदेही हो, मैंने नहीं पता कौन है कितों के किए नहीं की इन्हों का काम है, पर जिनकी मेरे को इन्फॉर्मेशन आई थी भी इन्हों को लाइसेंस है नहीं और इन्होंने मोहाली प्रॉब्लम आई और एक कुछ मैंने रात आई है 7 बजे चंडीगढ़ कहते यू टी आर नंबर इन्होंने कोई कार्ड लिखा वो की है वो कुछ भी नहीं जो कहने का सर नंबर होंगे कहने मिले मेन तो दो चीज़ा वा एक रजिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट की एक इमीग्रेशन डिपार्टमेंट दोवें चीज़ा है नहीं की है चीमा साहब ने मेरे तो की विश्वास लाया उन्होंने चीमा साहब ने यह कि अपलाई किया और कहते अभी मैं जी ना तो को नहीं है लाइसेंस उन्ना चेर कहने का मतलब बंद करो कहते हाँ अभी बंद करते हैं कुछ भी नहीं अस्त वेस्ट समझते जो सारी स्टेट गवर्नमेंट नहीं उन्होंने रजिस्ट्रेशन मानती गई इमीग्रेशन डिपार्टमेंट नहीं मानता तो इस करके जागती लाइव के लिए मोगा से वीडियो जर्नलिस्ट नवीन सिंगला के साथ लक्ष्मणजीत सिंह पुरबा की रिपोर्ट।